कैसे आप सभी लोग। मैं देवेंद्र नगवाल एसर टेलीकॉम की तरफ से। दोस्तों इस समय मैं दुबई में हूँ और ये वीडियो मैं दुबई में शूट कर रहा हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है अपने आईफोन ट्रेनिंग कोर्स को लेके, और उसको मुझे बताना और क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे 2000 के ऊपर लोगों ने डाउनलोड करके रख लिए हैं और तकरीबन 500 से ऊपर ज़्यादा लोगों ने मेरे जो ट्रेनिंग कोर्स का सब फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें से 300 से ज़्यादा तो हमारे खुद के स्टूडेंट्स ही हैं जो हमारे से एंड्रॉयड करके गए। तो मैं आपको ये वीडियो मेरा यहाँ पर बनाने का मकसद ये है, ये वीडियो मैं अपने घर पे जाके या अपनी लैब पे या अपने इंस्टीट्यूट में भी बना सकता था। ये मेरा आपको बनाने का मकसद यही है कि थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन के बारे में आए, आपको अवेयरनेस दे दूँ कि बेसिकली जो एप्लीकेशन है उसमें आपको क्या देखने मिलेगा और किस तरीके से आपको हमारे जो कोर्स है ऑनलाइन उससे फ़ायदा मिलेगा। देखो ये पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया था, ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया था बेसिकली हमारे उन स्टूडेंट को जिनको हमने एंड्रॉयड पढ़ाया है और जो एंड्रॉयड पढ़ने के बाद अच्छा खासा काम कर रहे हैं 3-4 महीने के बाद जाकर, और उसके बाद अब वो आईफोन अपना बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में ऑलरेडी वो आईसीओ बेस्ड काम कर रहे हैं। तो हमारे बहुत से स्टूडेंट की इंक्वायरीज आती थी कि सर हमें आईफोन पे काम करना है, आप कब आईफोन की क्लास ज्वाइन चालू करने वाले हैं ऑफलाइन। सो मैंने कहा कि देखो तुम आईसीओ पे हो तो ऑलरेडी काम कर रहे हो, तुमको सर्टिफिकेट लेवल पे काम करना है, और जो बेस थ्योरी होती है एक आईसी की कि प्रैक्टिकली आप अगर मेरे पास आ भी जाओगे और मैं आपको हीटिंग और जो हीटिंग है और जो टेम्परेचर है वो भी मैं आपको अगर ऑनलाइन बता दूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे साथ बैठ के काम कर चुके हो। तो ये खासकर मैंने अपने स्टूडेंट के लिए बनाया था जो ऑफलाइन हमसे पढ़ के गए थे, बट इसका फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं तो भी आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड पे काम करते हैं, ऑलरेडी एक एंड्रॉयड के टेक्नीशियन हैं, और अगर आपको लगता है कि आप एंड्रॉयड पे आईसीओ बेस काम कर लेते हैं, बिल्कुल फ्रेशर के लिए बिल्कुल ये कोर्स नहीं है, आप स्किप कर दो ये वीडियो। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप आईफोन के बारे में सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप ये मेरा जो पेज देख रहे हैं ना, इस पेज को आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस पर आप देखें कि बहुत सारे कोर्सेस मैंने यहाँ पे आईफोन के डाले हुए हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में डाले हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को जो कोर्स रिकमेंड करना चाहूंगा वो है आईफोन 6X, 6 2X का पहले, अब ये 11 Pro Max तक चला गया है। ऑब्वियस मैंने इसमें 11 Pro Max का भी कंटेंट यहाँ पर डाला गया है। सो अगर मैं इसमें कंटेंट भी आपको यहाँ पर बताऊं तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने कंटेंट भी काफी अच्छा इसमें दिया हुआ है। जैसे देखिए 6 के अंदर ही 176 वीडियो है, आईफोन 7 के अंदर बहुत सारे वीडियो, और इवन जो कंटेंट है ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, ऊपर से जो हमने परचेस किया है वो चाइनीज कंटेंट जिसको हमने हिंदी में अच्छे से आपको समझाया है। देखो आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट जाके ये कोर्स कर सकते हो चाइनीज लैंग्वेज में या किसी भी एक ऐसे लैंग्वेज में, पर हो सकता है कि आपको मेरी भाषा ज्यादा समझ में आए, जल्दी समझ में आए, और जिसको मैंने अपने तरीके से समझाया, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि चाइनीज से पढ़ तो लेते हैं हम लोग बट उसके बाद समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है। आप अगर टेक्निकल स्किल की बात करें तो वो बहुत बेस्ट है मानेंगे, बट अगर आप जब थ्योरी लेवल पे आते हैं, जब सर्टिफिकेट को समझते हैं, तो आधा ऊपर चले जाता है आधा समझ में आता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने आपके साथ कोर्स में बेसिकली आपको हिंदी में बहुत अच्छे से और उदाहरण दे दे के हर चीज को समझाया है कि कोई भी बंदा जो बोर्नियो चला लेता है, और हाँ ऐसा नहीं मैंने इस कोर्स में एक बार भी बोर्नियो ओपन नहीं किया, मैं आईफोन 7 में बोर्नियो को आईफोन के लिए मानता ही नहीं हूं, मैं मानते ही मैं बिलीव ही नहीं करता कि आईफोन 7 बेसिकली बोर्नियो से आप आईफोन को बना सकते हैं। मैंने इस कोर्स में JCID ली है, वूजिंग ली है, ज्यादातर मैंने वूजिंग लिया है, और अपने कोर्स में भी बताया है कि अगर वर्ल्ड बेस्ट टूल आपको यूज करना है तो वो फोनकॉम का वूजिंग है जिसको आप यूज कीजिए। उसके अलावा मैंने इसमें ZXW यूज किया है, मतलब बेसिकली आईफोन के जो भी टूल्स हैं स्कमेटिक मैंने उन्हीं से साथ पढ़ाया है, स्कमेटिक पढ़ाया है, और बेसिकली मैंने थ्योरी लेवल पे ज्यादा इसमें ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आईसी लेवल नहीं है, इसमें मैंने हर आईफोन 7, 6 का आप देखें तो आप मैंने आईसी लेवल पे काम डाला है, आईफोन 7 में मैंने रैम के बराबर आईसी लेवल पे काम डाला है, आईफोन 11 का डाला, तो आईफोन X का डाला है। तो ऐसा नहीं है, और बकायदा हर थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकली बताया है कि क्या टेम्परेचर लेना है कितना, और जब आप किसी 1 लाख भी खर्च करेंगे ना तो वही टेम्परेचर आप वहां सेट करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज नॉलेज के बाद ही मैंने कोर्स डिजाइन किया है।
देखिए दोस्तों, काफी सालों के एक्सपीरियंस के बाद तब जाके मैं कोर्स लाया हूँ। मैं भी बाकी टीचर बाकी लोगों जैसा कि अभी पढ़ा और अभी इंस्टीट्यूट चालू कर दिया वैसा भी कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। मैंने 2018 से मैं आईफोन में काम कर रहा था एक सही मायने में। मैं वो देखिए, मैं आपको वो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं सन 2000 से काम कर रहा हूँ, बट आता कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं 2018 से एक्चुअल में आईफोन पे काम कर रहा हूँ और काफी साल हो गए अब तो, 2018 से अब 2023 है और 2023 भी एंडिंग पे है। तो इतने टाइम पे अब मुझे समझ में आ गया है, और इसमें मैंने काफी अंग्रेजी कॉलेज जो है हमारे विदेश के उसको ज्वाइन किया, और उसको ज्वाइन करने के बाद में मुझे काफी नॉलेज मिला। और उन नॉलेज में मैंने समझा है कि अगर आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, अगर आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं तो मे बी आपको शायद ही समझ में आए पूरी बात। बट अगर मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे कॉलेज का एक नॉलेज इकट्ठा करके एक में करके आपको देने की कोशिश की है। अब यहां पर आप देख सकते हैं iPhone 7 डिस्प्ले, 7 का बेस बैंड, 7 का वाईफाई सर्किट, टच सर्किट, बूस्ट आईसी, चार्जिंग आईसी, यूएसबी आईसी, यहाँ पर रैम आईसी का वर्क बताया है, कैसे निकाल सकते हैं आप इजीली वो ट्रिकों से निकाल सकते हैं, और बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं लोग। एआरसी सर्किट, अपर स्पीकर, और ये एक नेवर एंडिंग कोर्स है, क्योंकि मैंने इसमें पहले बोला है कि मैं इसमें इतना सब कुछ दूंगा कि आप बिलीव नहीं मानेंगे, इसमें मैं डालते रहूंगा, क्योंकि हो मुझे इसमें 12 भी डालना है। तो 7 के अलावा अगर हम यहाँ पर इस कोर्स में बात करें तो आपको कोर्स में बहुत सारी चीज मिलने वाली है, अगर हम 7 के अलावा भी बात करें तो। अभी देखिए iPhone X में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, ये कोर्स को बहुत से लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। परचेस में देखो, इस लिंक में सीधे यहाँ पे गेट दिस कोर्स लिखा है, आपने केवल अपना नाम डालना है, जैसे आपने नाम डाला, और आपने नंबर डालना है, जैसे आपने नंबर डाला, और आपको ईमेल आईडी डालना है, जैसे आपने ये ईमेल आईडी डाली, राइट, और आपको अपना स्टेट डाल देना है। उसके बाद में आपने इस नंबर पे ओटीपी आएगा, और बस आपको जो रेजर पेमेंट से है उसको आपको पेमेंट करना है 6,000 रुपये। अब आप देखिए कि 6,000 रुपये आप अगर कुछ चीज सीखते हैं, और आईफोन, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इस कोर्स से आप लाखों कमाएंगे, लाखों वही कमाएगा जो बहुत स्किल हासिल करेगा, पर इस कोर्स से वही स्किल हासिल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूँ कोर्स से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस मेरे में है, आप में भी है, हो जाएगा जब नॉलेज आएगा। तो iPhone 6 में अगर हम जाएं तो, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज पता नहीं होगी हम उसमें कुछ भी पैसा नहीं कमा सकते, जैसे जैसे हमारे को नॉलेज बढ़ती जाती है तो हम उसमें पैसा कमा सकते हैं। और जो भी लोग ये मुझे मैसेज बिल्कुल मत करना, एंड्रॉयड हम ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो एंड्रॉयड का ऑफलाइन बैच ही लगता है, उसके लिए आप 7000 7311 92 पर MD सर से बात करना। और ये मंथ हमारा पूरा बुक हो चुका है, इस मंथ में हम किसी को भी एडमिशन नहीं मिलने वाला, अब जो भी है नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है। पर ये आईफोन के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मेरे को बहुत से मैसेज आए, आप बिलीव नहीं करेंगे, और मैं सबको मैसेज में रिप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक ओवरऑल वीडियो बना दिया जाए। तो नैंड इसमें है, नैंड में खाली 20 वीडियो दिए हैं, डैड डायग्नोस हो गया, 6 वीडियो, मतलब इसमें पावर आईसी तक का उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे डैड बूट सिक्वेंस बताया है, CPU को पढ़ना, पावर आईसी को पढ़ना, तो आप अब बिलीव नहीं करेंगे मैंने इसमें बहुत मेहनत की है कोर्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सर्किट की बात करें कंटेन में, ठीक है, यहाँ आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको यहाँ पर डाटा मिल, पैनिक रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, ठीक है। iPhone X के अंदर चलो चलते हैं, तो iPhone X के अंदर मैंने क्या क्या दिया, जैसे बैटरी कनेक्टर, iPhone X के बैटरी के बारे में डिटेलिंग दी है कि क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, PCB बोर्ड इंफॉर्मेशन, iPhone X की इंटेल और क्वालकॉम के बोर्ड को कैसे पहचाने और कौन कौन सी आईसी किधर लगी है, बूट सिक्वेंस हो गया, मिडिल लेयर कैसे रिवॉल्व करें, USB सर्किट हाइड्रा का काम आए तो टेस्टिंग पॉइंट से कैसे बता दें कि कहाँ आईसी का फॉल्ट है, डिस्प्ले सेक्शन कैसे उसको फाइंड आउट करें अगर डिस्प्ले मेरा अगर खराब आ रहा है, टच सर्किट कैसे बनाए, और टूल्स एंड और शॉर्टिंग आईफोन चार्जिंग सर्किट, और इसमें बहुत कुछ जो सर्किट है इतना आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में शायद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 से 20 दिन के कोर्स में इतना सारी चीजें लोग नहीं पढ़ाते हैं। बस यही है कि हमने आपको जो बैटरी का सेक्शन पढ़ाया 6 में या एक्स में, वो सब में अप्लाई कर देना है। मेरा ये काम नहीं है, मैं तो आपको हर एक का सर्किट आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको लगे कि नहीं, सर ने जो पढ़ाया है वो काफी बेस्ट है। अब आपको मैं यहाँ पर iPhone 11 जो कि मैं अभी डाल रहा हूँ, iPhone 11 में आप देखो तो PCB इन्फो है,
बैटरी और चार्जिंग आईसी, जिसको इंग्लिश भाषा में, अगर चाइनीज लैंग्वेज में बात करें तो येंट जे कहते हैं, और ये एक चाइनीज रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। चाहे I2C सर्किट हो गया, A13 का CPU मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कोर्स में मिलने वाली हैं। वीडियो काफी लंबा नहीं करूंगा मैं, बस वीडियो मैं आपको देखो शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि कंटेन में आपको क्या मिलना है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि 6,000 रुपये में हम बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। ऑब्वियस है, मैंने दिया बहुत कुछ है, मैं कंपेयर नहीं करूंगा। देखो मैं अपने आपको किसी ऑफलाइन वालों से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन वालों से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा अपना एक अलग ही तरीका है देने का। मुझे एंडलेस वर्क पसंद होता है, और मैं शुरुआत बिल्कुल जीरो से करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सर्किट एक्सप्लेन करूँ एकदम जीरो से और एंडलेस तक जाऊं, तो इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर, यहाँ हमारे जो वीडियोज हैं, जो हमारे बहुत से लोगों ने हमें रिव्यू दिए हैं, तो कुछ ही रिव्यू हम बस डाल पाए हैं। पैनिक रिपोर्ट अलग अलग है, मल्टीमीटर का भी। अच्छा, जैसे आप अगर देखें तो बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप सोचेंगे मैं मल्टीमीटर का कोर्स ले लूं, आप सोचे मैं नैंड प्रोग्रामिंग ले लूं, जो तो 2,800 का मल्टीमीटर का, 700 रुपये का। तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप 6 से X11 Pro लेते हैं तो आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। इसके अंदर सारे कोर्स आपको एक ही कोर्स में मिल जाएंगे। इसमें मल्टीमीटर का भी कोर्स है, नैंड का भी कोर्स है, और इसमें iPhone 6 से लेकर जितना भी अपग्रेड होगा सब इसी कोर्स में होने वाला है। तो अभी भी मौका है, इसको चूके मत, क्योंकि अभी 6,000 जो दाम है वो आगे बढ़ जाएंगे, और ये बस कुछ ही पल के लिए है। आप ये समझे कि ये अपने वापस प्राइस में आ जाएगा, जो कि 10,000 है। अभी 4,000 आप ये समझे कि इस साल में भी कब तक रहेगा मुझे भी नहीं पता है। रिस्पॉन्स मुझे काफी अच्छा मिल रहा है, बट जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप फ्रेशर हैं तो कोर्स को परचेस करें। अगर आप एंड्रॉयड का काम कर रहे हैं और आप आईफोन पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप आईफोन पे काम करते हैं बट सर्किट लेवल को नहीं समझते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 6,000 में 102% फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।